हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता की जीत से फाइनल की रेस में हो गया है बड़ा बवाल। कोलकाता के लिए आई बड़ी खुशखबरी तो हैदराबाद, राजस्थान, बेंगलुरु की बड़ी मुश्किल है। तो जी हां, आईपीएल 2024 के एक बहुत बड़े उलटफेर ने फाइनल की रेस को हिलाकर रख दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के मुकाबले खेले जा रहे हैं और प्लेऑफ के मुकाबले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फाइनल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये मुकाबले डिसाइड करेंगे कि कौन सी दो टीमें फाइनल में जगह बनाएगी। और वैसे आप जानते ही होंगे कि टोटल चार टीमों ने फाइनल के लिए दावेदारी पेश करी है, यानी प्लेऑफ में जगह बनाई है, और उसमें से दो टीमें फाइनल में जाएंगी और दो का पत्ता कटना भी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि कौन सी टीमें फाइनल में जाएंगी और कौन सी बाहर हो जाएंगी। इसी घमासान को तय करने के लिए तो एक बहुत बड़ा मुकाबला, क्वालिफायर का मुकाबला खेला गया। कोलकाता नाइट राइडर, कहा जाता है कि जब भी ये क्वालिफायर फर्स्ट खेलते हैं ये न केवल क्वालिफायर फर्स्ट जीतते हैं बल्कि चैंपियंस भी बनते हैं और आईपीएल के रिकॉर्ड इस बात के गवाह है। लेकिन दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद, जो कि क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबले के लिए बहुत बड़ी टीम मानी जा रही थी, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर को पहले गेंदबाजी करने का मौका और हैदराबाद को बल्लेबाजी। देखिए, हैदराबाद वो टीम है जिसके साथ आप यही कहेंगे कि जिस तरह का ये अटैक और अप्रोच रखते हैं, एक दिन तो ऐसा आना था जो इनके लिए बहुत खराब दिन होगा, और वो आज क्वालिफायर फर्स्ट में इनके लिए वो सबसे खराब दिन था कि ये इस आईपीएल सीजन में पहली बार पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑल आउट होते हैं और ऐसा ये क्वालिफायर फर्स्ट में करते हैं। जी हाँ, बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही, फिर वो चाहे टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक। और जैसे मैंने पहले शुरू के वीडियो में भी आपको कहा था कि जब ये दो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो हैदराबाद ध्वस्त हो जाता है। हैदराबाद ने 160 के आसपास का लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर को जरूर दिया और जिसके जवाब में पावर प्ले में ही कोलकाता ने अपने तेवर दिखाए। सुनील नारायण और उसके साथ में रहमानुल्लाह गुरबाज, जिन्होंने वो सॉल्ट की कमी खेलने ही नहीं दी और शानदार शुरुआत कर दी। इस शुरुआत और इस धमाके के बाद शानदार फिनिश भी देखने को मिला और कुल मिलाकर कोलकाता नाइट राइडर को इस मुकाबले में जीत मिल जाती और एक बहुत बड़ी जीत। इसके बाद उनके लिए तो खुशखबरी आई है, लेकिन कोलकाता की जीत ने कैसे हैदराबाद की नींद उड़ाई है और कैसे आरसीबी और राजस्थान टेंशन में आ चुके हैं, हम आपको बताएंगे यहां से फाइनल की रेस में अब क्या समीकरण बन रहे हैं और कौन सी दो टीमें फाइनल में जगह बनाएगी, हैदराबाद के लिए क्या समीकरण है और बाकी टीमों के, सब कुछ जानते हैं ऐसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल में सपोर्ट करते हैं और आईपीएल को जीतते हुए देखना चाहते हैं, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, उसके साथ में फाइनल में किस टीम को देखते हैं वो भी जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने उस टीम के लिए सपोर्ट जरूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन चलिए जानते हैं ये प्लेऑफ के समीकरण। दरअसल प्लेऑफ में टोटल चार टीमें जगह बनाती है और तीन मुकाबले प्लेऑफ में खेले जाते हैं। एक मुकाबला क्वालिफायर फर्स्ट होता है, दूसरा मुकाबला एलिमिनेटर होता है और तीसरा मुकाबला क्वालिफायर सेकेंड होता है। अब देखिए, क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला तो 21 मई को खेला गया कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद के बीच में। कोलकाता नाइट राइडर ये तीसरी बार क्वालिफायर फर्स्ट जीते हैं, इससे पहले भी दो क्वालिफायर फर्स्ट जीते थे और जब दोनों बार जीते थे तो चैंपियन बने थे, आज भी जीत चुके हैं। तो इनके लिए तो खुशखबरी ये है कि ये क्वालिफायर फर्स्ट जीते ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी आईपीएल 2024 के फाइनल की हमें वो पहली टीम मिल चुकी है जो कोलकाता नाइट राइडर है, यह तक तो सबको पता है। लेकिन अब सवाल है कि इनके साथ में कौन आएगा और इसी को लेकर हैदराबाद की टेंशन बढ़ चुकी है। अब हैदराबाद के लिए क्या समीकरण बनेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एलिमिनेटर का मुकाबला खेला जाएगा और वो खेला जाएगा 22 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ही। अब ये दो टीमें हैं, देखिए वो राजस्थान रॉयल जो कि 14 मुकाबलों में से 8 मुकाबले जीतते हैं और 17 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल को तीसरे पायदान पर खत्म करते हैं, और वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो चेन्नई को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाते हैं और प्लेऑफ को बहुत बड़े तौर पर सेलिब्रेट करते हैं और खुद को आईपीएल का दावेदार भी बताते हैं। अब वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भिड़ेंगे राजस्थान रॉयल से और वो होगा एलिमिनेटर का मुकाबला। यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ जो टीम जीतेगी वो तो आगे जाएगी, लेकिन जो हार जाएगी उसका सफर यही समाप्त हो जाएगा। मतलब राजस्थान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इन दोनों में से कोई एक टीम तो इस मुकाबले में बाहर होनी ही है, बात आप तय कर लीजिए। लेकिन इसके बाद क्या होगा? दरअसल यहाँ एलिमिनेटर जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में नहीं जाएगी बल्कि क्वालिफायर टू के लिए क्वालिफाई होगी। अब क्वालिफायर टू क्या है?
क्वालिफायर टू में वो टीमें खेलती है जो क्वालिफायर फर्स्ट हार जाती है। इसका मतलब सनराइजर हैदराबाद क्वालिफायर सेकंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और वो क्वालिफायर टू खेलेंगे 24 मई को चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में। तो ये बात तय कर लीजिए कि वहां हैदराबाद तो पक्की हो चुकी है। हैदराबाद का एक और मुकाबला है वो बाहर नहीं हुए हैं, बल्कि एक और मुकाबला है वो 24 मई को खेलेंगे, चेन्नई में खेलेंगे। अच्छा, उनके साथ में कौन खेलेगा? या तो राजस्थान खेलेगा या आरसीबी खेलेगा। किसके ज्यादा चांसेस हैं आप कमेंट बताइएगा जरूर, लेकिन जान ले समीकरण कि इन दोनों में से वहां एक टीम खेलेगी और एक वहीं बाहर हो जाएगी। अच्छा, क्वालिफायर टू जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा और क्वालिफायर टू हार जाएगा उसका सफर वहीं समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब हैदराबाद के लिए एक अभी चांसेस है। अब एक टीम तो हमें फाइनल के लिए मिल चुकी है और वो है कोलकाता नाइट राइडर, लेकिन अभी भी तीन टीमें उस रेस में बनी हुई है और तीनों जिंदा है, तीनों में से तीनों जगह बना सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि तीनों में से कोई एक टीम जाएगी और दो बाहर कौन सी होगी, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। अब आप अपनी अपनी फेवरेट टीम जिसे आप सपोर्ट करते हैं कमेंट बताइएगा, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।